गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज डेट है 5th ऑफ अगस्त। निफ्टी देखो कहाँ पे ओपन हो रहा है, 24,700 पे क्लोज हुआ था और अभी ओपन हो रहा है 24,300, मतलब 400 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है अभी। यहाँ जहाँ ओपन हो रहा है ना, वहाँ से ऐसे लेफ्ट साइड में देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्जिन सीपीआर है। वर्जिन सीपीआर मतलब उस दिन मार्केट ने सीपीआर को टच नहीं किया था, आई गेस वो फ्राइडे था। हाँ फ्राइडे था, 26th ऑफ जुलाई का फ्राइडे था। तो अभी मैन्युफैक्चर मेरा बताता हूँ, अगर निफ्टी ये जो सीपीआर आप लोगों को दिख रहा है, ये सीपीआर अगर आप लोगों को दिख रहा है, इसके कंट्रोल में आ गया, मतलब इसके ऊपर ट्रेड करने लगा, तो मैं ऊपर का प्लानिंग करूंगा, कॉल का प्लानिंग करूंगा। अभी इसका उल्टा क्या रहेगा, अगर ये सीपीआर के नीचे रहेगा, इसके नीचे अगर कंटिन्यूसली ट्रेड करने लगा, तो अभी यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गया था, राइट, मतलब ये सपोर्ट लेवल है और ये कहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 24,200 के आसपास ये सपोर्ट लेवल है। तो कॉल का प्लानिंग बेस्ड ऑन सीपीआर और पुट का प्लानिंग भी बेस्ड ऑन सीपीआर रहेगा, दोनों के टारगेट्स में, लेकिन थोड़ा अलग अलग रहेगा। सबसे पहले ट्रेड मिलेगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डेंजर गैप डाउन हो रहा है और ऐसे कंडीशन में मेरा सेटअप चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो देखते चलो क्या होता है और क्या नहीं, ठीक है। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, मैं देखता हूँ ट्रेड कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं। ओके, तो ये जो आप लोगों को लाइंस दिख रहा होगा, जैसे मैंने डिस्कस किया ना अभी स्टार्टिंग में कि लेफ्ट साइड में एक सीपीआर है, तो सीपीआर के दो लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे, वीडियो के लास्ट में मैं डिटेल में बताता हूँ। लेकिन अभी इसके नीचे मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, तो मैंने अभी यहाँ पे पुट साइड में एंट्री किया है, देखते चलो अभी ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। टारगेट कुछ दिमाग में नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन स्टॉप लॉस तो दिमाग में है, ठीक है। तो देखते चलो क्या आता है पहले। ओके, तो ट्रेड मैंने निकाल दिया है, कहाँ पे बाइंग किया था, कहाँ पे सेलिंग किया था, देखो, ठीक है। अभी क्या करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को थोड़ा लेफ्ट साइड वाला एक सीपीआर की बात की थी, तो थोड़ा सबसे पहले वो सीपीआर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज गैप करता हूँ, क्योंकि आज वो स्ट्रैटेजी वर्क ही नहीं हुआ, मूविंग एवरेज तक मार्केट आया ही नहीं, ठीक है। तो देखो, ये उस दिन का सीपीआर था, राइट, फ्राइडे के दिन का सीपीआर था। उस दिन अगर आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट क्या हुआ था, ओपन यहाँ पे कुछ तो हुआ R1 के आसपास, प्रीवियस हाई के आसपास, और डायरेक्टली ऐसे ऊपर चला गया। तो उस दिन मार्केट ने सीपीआर को टच नहीं किया, इसका मीनिंग क्या होता है कि वो सीपीआर को हम लोग वर्जिन बोलते हैं। तो उसका जो अपर लेवल होता है और लोअर लेवल होता है, वो क्या होता है, एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क होता है, इसलिए मैंने ये दो लेवल्स ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है। अभी लेवल आप लोगों को समझ आ गया, अभी टेम्पररी क्या करता हूँ, सीपीआर भी गायब करता हूँ। तो ये दोनों लेवल्स मुझे आज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मिल गए, और अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल क्या हुआ, इसके नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करने लगा और लेफ्ट साइड में सपोर्ट मुझे दिखा रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे घुस गया। अब यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एंट्री था स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का। मैं हमेशा लगाता हूँ, 20 के ऊपर जाता नहीं, मतलब 5-10 कभी कभी लगाता हूँ, लेकिन 20 के ऊपर कभी जाता नहीं। और टारगेट लगाने के लिए क्या किया मैंने, 50 पॉइंट जिंदाबाद, मतलब 50 नहीं मिले, थोड़ा इधर 19-20 हुआ है, एकदम कट टू कट नहीं बात कर सकते हम लोग, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। अभी इससे ज्यादा मेरे पास समझाने के लिए कुछ है नहीं, ओनली एंड ओनली वर्जिन सीपीआर के बेसिस पे आज का ट्रेड था, ठीक है। अभी यहाँ तक वीडियो देखा हो, चिंटू मिंटू वीडियो है, तो लाइक करो, कमेंट करना है तो कर सकते हो। अभी हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय।